हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स का लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या होता है, देखिए। तो द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द फ्री रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन बॉन्ड एक्सिस और कॉल्ड दी कॉन्फॉर्मेशंस। मतलब ये कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म जो है, ये स्पेशल टाइप की आइसोमेरिज्म है जो ओनली एल्केन में मिलता है, मतलब जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो। और हम इससे पहले हमने क्लास में पढ़ा हुआ है कि कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड होता है तो उसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, उसकी वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसके बीच में हम कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। तो द फिनोमिना इज कॉल्ड कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। यहाँ पर देखिए, हियर थीटा जो एंगल है यहाँ पर 60 डिग्री है, इज कॉल्ड डाईहेड्रल एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स। मतलब ये हुआ कि ये हाइड्रोजन, ये कार्बन और ये कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच का जो एंगल है थीटा एंगल, दैट इज नोन एज डाईहेड्रल एंगल, करेक्ट। तो यहाँ पर देखिए, ये जो एक फॉर्म है, ये ईथेन है, मॉलिक्यूल है ईथेन यानी CH3-CH3। तो इसमें ये मान लीजिए हमारा फ्रंट कार्बन है और ये हमारा बैक कार्बन है। तो इसको देखिए, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर 120 एंगल के ऊपर ये कनेक्टेड है आपस में। सिमिलरली हमारा फ्रंट कार्बन में भी सेम हाइड्रोजन 120 के एंगल पे क्या है, कनेक्टेड है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यदि हम इसको रोटेट कर दें, करेक्ट, तो यानी हमारा डाईहेड्रल एंगल क्या हो जाता है, रोटेट हो जाता है थीटा, यानी 60 डिग्री पे हम इसको रोटेट करेंगे, करेक्ट। तो फ्रंट वाले कार्बन तो देखिए हमारे फिक्स हैं, उसको हमने रोटेट किया नहीं है। और मान लीजिए हमने बैक कार्बन को क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। तो ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ आ जाएगा, ओके, और ये वाला हाइड्रोजन है वो यहाँ चला जाएगा, करेक्ट। तो ये आपस में एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा और एक वहाँ चला जाएगा। तो नई लोकेशन जो है आपकी ये हो जाएंगी आप जब 60 डिग्री पे रोटेट करोगे। तो ये वाला जो फॉर्म है, पहला वाला, इसको एक्लिप्स बोलते हैं, करेक्ट। तो ये एक्लिप्स कॉन्फर्मेशन होता है, और सेकंड वाला जो इसका जो कन्फर्मर होता है उसको बोलते हैं स्टेगर्ड कॉन्फर्मेशन, ठीक है, इसको हम स्टेगर्ड कहते हैं। तो जिसमें स्टेगर्ड जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है, एंड एक्लिप्स होता है वो लेस स्टेबल होता है, आगे हम देखेंगे। तो देखिए, कॉन्फॉर्मेशन ऑफ ईथेन, यानी ईथेन में हम कॉन्फॉर्मेशन यहाँ पर देख रहे हैं, यानी कॉन्फॉर्मेशन कंपेयर करेंगे। तो पहला स्ट्रक्चर सेम है, ये आपका जो ग्रुप है ये भी CH3 ग्रुप है, और फ्रंट कार्बन भी क्या है आपका CH3 ग्रुप है। इस स्ट्रक्चर का नाम है साहर्स प्रोजेक्शन, ठीक है, तो इसको हम साहर्स प्रोजेक्शन कहते हैं। तो इसमें कार्बन और कार्बन को स्लैंटिंग लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है, एंड ये फ्रंट कार्बन है आपका और वो आपका क्या है, बैक कार्बन है। बैक कार्बन को 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, सिमिलरली फ्रंट कार्बन को भी 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है। तो यहाँ पर डाईहेड्रल एंगल, मतलब ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, इनका इसको बोलते हैं डाईहेड्रल एंगल। तो यदि डाईहेड्रल एंगल देखें तो यहाँ पर 0 डिग्री है, जैसे इसको 60 डिग्री पे हम रोटेट कर देते हैं तो हमारा कॉन्फिग्रेशन जो है वो कुछ इस तरीके का होगा कि फ्रंट वाले जो कार्बन के हाइड्रोजन जो है वो तो एज इट इज हैं, अपनी लोकेशन पे हैं, लेकिन सेकंड वालों को हम 60 डिग्री पर रोटेट करेंगे तो एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा और एक वहाँ चला जाएगा। तो पहला जो स्ट्रक्चर जो है उसको एक्लिप्स स्ट्रक्चर कहेंगे फर्स्ट को, और सेकंड वाले को क्या कहेंगे, स्टैगर्स कहेंगे। ये साहर्स प्रोजेक्शन है, इसी को ही दूसरे साइंटिस्ट देखिए, इसका नाम था न्यूमान प्रोजेक्शन, यानी न्यूमान साइंटिस्ट ने इनको प्रोजेक्ट किया। तो उसमें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसी ईथेन को हम रिप्रेजेंट करेंगे, जो सर्किल है आपका वो बैक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, और जो डॉट डॉट लाइन दिखाए हैं हाइड्रोजन वो बैक कार्बन को क्या है, कनेक्टेड है, जबकि जो सेंटर होता है वो फ्रंट कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, और एक एक हाइड्रोजन जो है वो फ्रंट कार्बन से सेंटर से दिखाए गए हैं। तो जब आपका यहाँ पर भी डाईहेड्रल एंगल कितना है, 0 डिग्री का है, तो जब डाईहेड्रल एंगल 0 डिग्री होता है तो ये फॉर्म भी क्या है, एक्लिप्स फॉर्म होता है, करेक्ट। और यदि इसको हम 60 डिग्री पे अगेन रोटेट कर देते हैं जैसे हमने साहर्स प्रोजेक्शन में देखा, ऐसे ही यहाँ पर डाईहेड्रल एंगल जो है वो 60 डिग्री पे रोटेट हो गया है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड स्ट्रक्चर्स कहेंगे, करेक्ट। तो देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं ये चीज़ कि हमारा स्ट्रक्चर फर्स्ट, करेक्ट, स्ट्रक्चर हमारा फर्स्ट और थर्ड,
ये दोनों ही क्या है, एक्लिप्स फॉर्म है। बस फर्क इतना है, ये साहर्स का एक्लिप्स फॉर्म है, ये न्यूमान का एक्लिप्स फॉर्म है। दोनों में ही डाईहेड्रल एंगल कितना होता है, 0 डिग्री का होता है। तो देखिए स्ट्रक्चर वन एंड स्ट्रक्चर थर्ड ये क्या है, एक्लिप्स फॉर्म है। तो इन दिस फॉर्म डिस्टेंस बिटवीन दी टू कार्बन एंड टू हाइड्रोजन बॉन्ड इज मिनिमम। मतलब मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो डाईहेड्रल एंगल है वो बहुत ही कम है और यहाँ पर जो डिस्टेंस है मिनिमम है। तो मैक्सिमम रिपल्सन और मिनिमम स्टेबिलिटी, मतलब ये हुआ कि एक्लिप्स फॉर्म जो होता है वो आपका लेस स्टेबल होता है ड्यू टू हाई रिपल्सन की वजह से, एंड स्टेगर जो होते हैं वो क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। करेक्ट, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है एंड रिपल्सन जो है वो मिनिमाइज हो जाता है। तो स्ट्रक्चर सेकंड और स्ट्रक्चर फोर जो है ये दोनों सेम है, यानी इसको स्टैगर्ड कन्फर्मेशन कहते हैं। ऊपर वाला जो है साहर्स का है और नीचे वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपका न्यूमैन का है। करेक्ट, तो यहाँ पर मैक्सिमम स्टेबिलिटी है, मतलब ये मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो स्ट्रक्चर सेकंड इजिकल टू स्ट्रक्चर फोर, दोनों ही क्या है, स्टैगर्ड फॉर्म है। तो इन दिस फॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द टू कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इज मैक्सिमम। करेक्ट, तो यहाँ पर डिस्टेंस आपकी क्या होगी है, मैक्सिमम हो गई है, तो मिनिमम रिपल्सन होगा, सो मैक्सिमम क्या होगी यहाँ पर, स्टेबिलिटी होगी। इसके लिए इथेन का एक्लिप्स कॉन्फर्मेशन जो होता है वो लेस स्टेबल होता है एंड स्टेगर्ड वाले जो होंगे वो मोर स्टेबल होते हैं। तो देखिए देर आर ए इनफाइनाइट कॉन्फर्मेशन बिटवीन द एक्लिप्स एंड स्टेगर। मतलब ये हुआ कि ये कंडीशन आपने देखा ये एक्लिप्स था और ये वाला कंडीशन देखा आपने क्या है, स्टेगर्ड है, लेकिन इसके बीच में और भी तो क्या बन सकते हैं, कॉन्फर्मेशन बन सकते हैं। करेक्ट, तो उनको हम क्या बोलते हैं, स्क्यू कॉन्फर्मेशन कहेंगे उसको, क्या बोलेंगे, स्क्यू फॉर्म कहेंगे। करेक्ट, तो यदि इन तीनों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखिए स्टैगर्ड, स्टैगर्ड में डाईहेड्रल एंगल 60 डिग्री का है, रिपल्सन यहाँ पर क्या है, मिनिमम है। तो स्टैगर्ड जो कॉन्फर्मेशन होता है सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद स्क्यू, स्क्यू में क्या होता है कि डाईहेड्रल जीरो से ज़्यादा होता है, क्योंकि डाईहेड्रल एंगल जब जीरो हो जाता है तो उसको हम एक्लिप्स बोलते हैं और वहाँ पर रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए एक्लिप्स का स्टेबिलिटी सबसे कम होता है। और 0 और 60 के बीच में जो भी बच गए हैं, करेक्ट, उनको हम स्क्यू कॉन्फर्मेशन कहेंगे। तो स्क्यू का स्टेबिलिटी क्या होगा, एक्लिप्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा लेकिन स्टैगर्ड के कंपैरिजन में कम होगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले ज़्यादा स्टेबल होगा स्टैगर्ड, उससे कम स्टैगर्ड स्क्यू, और सबसे कम स्टैगर्ड क्या होगा, एक्लिप्स होता है। उसके बाद आता है डाईहेड्रल एंगल। करेक्ट, तो डाईहेड्रल एंगल क्या है, तो डाईहेड्रल एंगल इन एक्लिप्स फॉर्म ऑफ इथेन इज 0 डिग्री। तो जब हम एक्लिप्स की बात करते हैं, ये हमारा एक्लिप्स फॉर्म है। करेक्ट, तो यहाँ पर डाईहेड्रल एंगल कितना है, 0 डिग्री का है। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्सिमम रिपल्सन है और मिनिमम क्या है, यहाँ पर स्टेबिलिटी है। एंड डाईहेड्रल एंगल इन स्टैगर्ड फॉर्म इज एथेन इज 60 डिग्री, और ये वाला स्टैगर्ड है, तो जैसे हम इसको 60 डिग्री पे रोटेट कर देते हैं तो एक्लिप्स फॉर्म जो है वो आपके स्टैगर्ड फॉर्म में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो द वेरिएशन ऑफ एनर्जी विद रोटेशन अबाउट द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इन इथेन हैज बीन शोन इन द फिगर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, यानी आपका वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं, एक्स एक्सिस पे आपका रोटेशन लेते हैं। करेक्ट, तो देखिए सबसे पहले जब ये स्टैगर्ड होता है तो आपने देखा कि यहाँ पर डाईहेड्रल एंगल जो है वो 60 डिग्री का होता है, तो मिनिमम यहाँ पर रिपल्सन होगा, तो स्टेबिलिटी पोटेंशियल एनर्जी कम है, मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। जैसे इसको आपने 60 डिग्री पे रोटेट कर दिया तो अगेन ये एक्लिप्स फॉर्म में क्या आ जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, मतलब एक्लिप्स की एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ड्यू टू रिपल्सन की वजह से। तो यहाँ पर स्टैगर्ड और एक्लिप्स में जो डिफरेंस है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है, जिसको हम टॉर्सनल एनर्जी कहते हैं, वो 12.5 किलो जूल पर मोल का है, मतलब यहाँ पर डिफरेंस बहुत कम होता है। उसके बाद अगेन इसको जब हम 60 डिग्री पे रोटेट कर देते हैं तो नेक्स्ट कॉन्फर्मेशन फिर से हमारा क्या बन जाएगा, स्टैगर्ड बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो एनर्जी जो रिक्वायरमेंट है ये एक दूसरे में रोटेट होने के लिए, ये एनर्जी जो कहलाती है वो है टॉर्सनल एनर्जी। तो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट द इथेन मॉलिक्यूल अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड द टॉर्सनल एनर्जी। तो ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेते हैं कि भाई टॉर्सनल एनर्जी क्या होता है, और आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इथेन में स्टैगर्ड और एक्लिप्स के अंदर जब हम रोटेट करते हैं यानी टॉर्सन करते हैं तो टॉर्सनल एनर्जी कितनी होती है, तो 12.5 किलो जूल पर मोल होती है। तो ये थे हमारे डाईहेड्रल एंगल। नेक्स्ट आता है कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का फॉर्मूला है CH3, CH2, CH2 एंड CH3। तो यहाँ पर ब्यूटेन को आप ऐसे लिख सकते हो, मान लीजिए हमारा यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप है कार्बन वन, ये हमारा कार्बन टू है, फिर सिंगल बॉन्ड है कार्बन थ्री है, फिर सिंगल बॉन्ड और CH3 है। करेक्ट, तो यहाँ पर
एक कार्बन के पास एक मिथाइल है और दो हाइड्रोजन है, सिमिलरली बैक कार्बन के पास भी एक मिथाइल है और दो क्या है, हाइड्रोजन है। और जब मिथाइल मिथाइल एक दूसरे के पास हों, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक दूसरे के पास हों, तो स्ट्रक्चर वन को हम क्या बोलते हैं, एक्लिप्स स्ट्रक्चर कहते हैं। तो हमारी स्ट्रक्चर वन जो है वो फुल्ली क्या है, यहाँ पर एक्लिप्स कन्फर्मेशन है। जैसे हमने इसको 60 डिग्री रोटेट किया तो मिथाइल और मिथाइल के बीच जो डाइहेड्रल एंगल है वो 60 डिग्री का हो गया है। तो हम सेकंड स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, स्टैगर्ड कहेंगे। सिमिलरली हमारी थर्ड कॉन्फिगरेशन देखिए, तो यहाँ पर क्या है, स्टैगर्ड और इक्लिप्स के बीच में है यहाँ पर कंडीशन, करेक्ट। तो मतलब ये क्या है, स्क्यू है, और इसको हम क्या बोलते हैं, गौसे कन्फर्मेशन भी कहते हैं। और जैसे इसको 60 डिग्री पर रोटेट करेंगे तो एमी एमी एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, बिल्कुल अपोजिट हो जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं एंटी, तो इसको हम एंटी स्टैगर्ड बोलते हैं, जो सबसे ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। तो यदि हम स्टेबिलिटी की अगेन बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल है वो आपकी कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4, यानी एंटी स्टैगर्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद में स्टैगर्ड होता है, उसके बाद में जो बीच में बचे हुए हैं स्क्यू कन्फर्मेशन या गौसे कन्फर्मेशन, और सबसे लिस्ट जो स्टेबल होता है वो होता है आपका एक्लिप्स, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, फुल्ली एक्लिप्स फॉर्म है। तो इन दिस फॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द टू मिथाइल ग्रुप इज मिनिमम, सो मैक्सिमम रिपल्सन और मिनिमम स्टेबिलिटी। और स्ट्रक्चर फोर क्या है, एंटी है, यानी एंटी स्टैगर्ड है। तो इन दिस फॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द टू मिथाइल ग्रुप इज मैक्सिमम, सो मिनिमम रिपल्सन और मैक्सिमम क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। और ये इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा कि फोर्थ की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, उससे कम 2 की होगी, उससे कम 3 की होगी, और सबसे कम किसकी होगी, फर्स्ट की। तो आप याद रखना इसको कि एंटी स्टैगर्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, उससे कम स्टेबल जो होगा वो स्टैगर्ड होगा, और उससे कम जो स्टेबल होगा वो होगा आपका स्क्यू, और सबसे कम जो होता है वो आपका कौन सा होगा, एक्लिप्स फॉर्म होगा। उसके बाद आता है डाईहेड्रल एंगल। तो डाईहेड्रल एंगल में अभी हमने देखा था कि एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स, तो टू प्लेन्स का जो एंगल है, मतलब हाइड्रोजन कार्बन देन कार्बन एंड देन हाइड्रोजन, तो ये जो रोटेशन है दैट इज नोन एज डाईहेड्रल एंगल। तो देखिए द एंगल ऑफ रोटेशन टू गेट मिनिमम स्टेबल टू मैक्सिमम स्टेबल फ्रॉम इन ब्यूटेन इज 180 डिग्री। मतलब 180 डिग्री में क्या होगा, मैक्सिमम आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर स्टेबिलिटी मिलेगा। एंड एंगल ऑफ रोटेशन टू गेट मैक्सिमम स्टेबल टू मिनिमम मैक्सिमम स्टेबल फ्रॉम इन ए ब्यूटेन इज कितना होगा, 360 डिग्री होगा। द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटेन इज गिवन बिलो अलोंग विद द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन द वेरियस कॉन्फॉर्मेशंस ऑफ ब्यूटेन्स। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ब्यूटेन का, तो यही हमारा पोटेंशियल एनर्जी है, और यहाँ पर हमारा क्या है, रोटेशन है, डिग्री ऑफ रोटेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए हमारा ये एक्लिप्स फॉर्म है क्योंकि यहाँ पर H और मिथाइल ग्रुप दोनों ही क्या हैं, एक दूसरे के करीब हैं, और डाईहेड्रल एंगल यहाँ पर क्या है, 0 डिग्री है। तो इसकी एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसका मतलब स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। जैसे इसको हम 60 डिग्री पर रोटेट करेंगे तो ये बन जाता है आपका गौसे कन्फर्मेशन, यानी गौसे कन्फर्मेशन बोलते हैं। यहाँ पर डाईहेड्रल एंगल कितना है, 60 डिग्री का है। अगेन आप इसको 60 डिग्री पे फिर से रोटेट कर देते हो, अगेन आपको स्ट्रक्चर 4 मिलेगी जो कि क्या है, अगेन एक्लिप्स है। तो यहाँ पर भी एनर्जी कितनी होगी, 19 किलो जूल पर मोल रहेगी। जैसे एक्लिप्स आ गया, फिर से आपने 60 डिग्री पर रोटेट किया तो आपका फिर से क्या बन जाएगा, स्टैगर्ड बन जाएगा। बट ये इस कॉन्फर्मेशन को क्या कहते हैं, गौसे कन्फर्मेशन कहते हैं, कि यहाँ पर CH3 एक दूसरे के क्या है, पास में है। उसके बाद गौसे कन्फर्मेशन को फिर से आपने क्या किया, 60 डिग्री पर रोटेट किया तो अगेन ये एक्लिप्स बन जाता है, करेक्ट। और यहाँ पर जो एनर्जी होगा, डिफरेंस होगा, वो आता है आपका 16 किलो जूल पर मोल होगा। और जैसे इसको रोटेट करोगे तो आपको एक स्टैगर्ड कंडीशन मिलेगी, और उस स्टैगर्ड को हम क्या बोलेंगे, एंटी बोलेंगे। मतलब पहले CH3 इसके साइड बाई साइड लाइट कर रहा था, अभी CH3 दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट में हैं, हेंस इट इज़ कॉल्ड एंटी कन्फर्मेशन। उसके बाद आता है कॉन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ साइक्लोहेक्सेन, यानी साइक्लोहेक्सेन में भी हम कॉन्फर्मेशन क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो देखिए साइक्लोहेक्सेन जो है दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक का नाम है चेयर फॉर्म और दूसरे का नाम है बोट फॉर्म। तो यहाँ पर हम दोनों की ही स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए चेयर की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, और बोट की स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। ये ऐसा क्यों होता है, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए साइक्लोहेक्सेन आपने देखा, तो ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 एंड कार्बन 6। तो इसका शेप आप देख सकते हो, तो इसको चेयर कॉन्फर्मर कहते हैं, करेक्ट। सिमिलरली चेयर, ये तो हमारा क्या था, साहर्स प्रोजेक्शन है, करेक्ट। और उसको न्यूमान प्रोजेक्शन में यदि हम रिप्रेजेंट करें तो
तो ये हमारा कार्बन वन है, फिर सर्किल कार्बन टू को गा, उसके बाद इसका सेंटर जो है कार्बन थ्री, फिर इसका फोर, इसका फाइव और इसको सिक्स कहेंगे, बैक कार्बन को सिक्स कहेंगे। तो ये हमारा क्या है, अगेन ये भी हमारा चेयर कॉन्फर्मेशन है, ऑल स्टेगर्ड बॉन्ड्स है और सारे बॉन्ड क्या है इसमें स्टेगर्ड्स हैं। तो द कॉन्फर्मेशन इज दस फ्री ऑफ द स्ट्रेन, तो यहाँ पर क्या है कि फ्री ऑफ द स्ट्रेन है कॉन्फर्मेशन, तो इट लाइज एट एनर्जी मिनिमम, तो मिनिमम एनर्जी पे क्या है लाई करके रहा है, एंड इज देयर फॉर ए कॉन्फर्मेशनल आइसोमर, तो इनको हम कॉन्फर्मेशनल आइसोमर कहेंगे, एंड द चेयर फॉर्म इज द मोस्ट स्टेबल कॉन्फर्मेशन ऑफ द साइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लोहेक्सेन में चेयर फॉर्म जो होता है वो सबसे ज्यादा क्या होता है स्टेबल होता है। उसके बाद देखते हैं हम बोट फॉर्म, तो सबसे पहले हम यहाँ पर चेयर फॉर्म का स्टेबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं कि क्यों चेयर फॉर्म जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो देखिए हम यहाँ पर डायग्राम से देख सकते हैं, तो पहला देखिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन दिए गए हैं वो सभी एक्सियल हैं, मतलब ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये सारे क्या हैं एक्सियल हाइड्रोजन है, तो सिक्स हाइड्रोजन यहाँ पर कौन से हैं एक्सियल हैं, और सिक्स हाइड्रोजन जो है इक्विटोरियल हैं, मतलब ये हुआ कि ये जो हाइड्रोजन हैं सारे के सारे ये कौन से हैं इक्विटोरियल हैं, करेक्ट। तो स्टेट में मतलब आप एक्सियल हाइड्रोजन को स्टेट लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हो, करेक्ट, और यही आप यदि टिल्ट कर रहे हो इनको ऐसा, ठीक है, थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहे हो, देन ये क्या हो जाते हैं इक्विटोरियल हो जाते हैं। तो यहाँ पर सिक्स हाइड्रोजन एक्सियल हैं एंड सिक्स हाइड्रोजन आपके क्या हैं इक्विटोरियल पोजिशन के ऊपर हैं, और थर्ड जो स्ट्रक्चर जो दिखाया गया है उसमें एक्सियल एंड इक्विटोरियल बॉन्ड टूगेदर दिखाए गए हैं, मतलब सिक्स आपके क्या हैं वही आपके इक्विटोरियल्स हैं, करेक्ट, सिक्स, और सिक्स जो बॉन्ड है आपके, ठीक है, वो है आपके इक्विटोरियल पोजीशन के ऊपर, मतलब एक्सियल और इक्विटोरियल दोनों को साथ में दिखाया गया है। तो टोटल हमारे पास 12 हाइड्रोजन हैं जिसमें सिक्स एक्सियल पे होते हैं और सिक्स किस पे होते हैं इक्विटोरियल पे होते हैं। तो देखिए द 12 हाइड्रोजन एटम्स ऑफ चेयर कॉन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, यानी सिक्स ऑफ द हाइड्रोजन्स आर कॉल्ड एक्सियल हाइड्रोजन एंड हेंस दे आर बॉन्ड पैरेलल टू ए वर्टिकल एक्सिस दैट पासेस थ्रू द रिंग सेंटर, एंड दूसरा होता है दीज एक्सियल बॉन्ड्स आर डायरेक्टेड अप एंड डाउन ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम, एंड द सेकेंड सेट ऑफ सिक्स हाइड्रोजन्स आर इक्विटोरियल हाइड्रोजन्स आर लोकेटेड अप्रोक्सीमेटली अलोंग द इक्वेटर और द मॉलिक्यूल। तो ये थी पोजिशन ऑफ एक्सियल हाइड्रोजन कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड और इक्विटोरियल कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड, करेक्ट। तो एक्सियल एंड इक्विटोरियल बॉन्ड इन चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन हमने देखा। उसके बाद अगला जो फॉर्म है वो है आपका बोट फॉर्म, करेक्ट। तो मैंने अभी भी बताया आपको कि बोट फॉर्म होता है वो लेस स्टेबल होता है एंड चेयर फॉर्म जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसका रीजन क्या है, देखिए अनदर कन्फर्मेशन विच इज़ नोन एज बोट कन्फर्मेशन हैज एग्जैक्टली एक्लिप्स कन्फर्मेशन, तो एग्जैक्टली एक्लिप्स के जैसा है, और जब एक्लिप्स होगा तो क्या होगा रिपल्सन ज़्यादा होगा, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाती है कम हो जाती है। तो यहाँ पर पहले हम बोट फॉर्म देख लेते हैं। तो देखिए ये हमारा कार्बन वन है, फिर कार्बन टू, कार्बन थ्री, कार्बन फोर, कार्बन फाइव और कार्बन सिक्स। तो देखिए ये बोट जैसा दिख रहा है, मतलब ये बोट कॉन्फर्मेशन है, करेक्ट। तो ये वाला जो है पहले वाला, ये आपका क्या है साहर्स प्रोजेक्शन है, और न्यूमान प्रोजेक्शन में आप इसको लिखोगे तो यहाँ पर देखिए ये एक कार्बन है, उसके बाद सर्किल जो है दूसरे कार्बन को बताता है, और सर्किल के बीच का जो डॉट है सेंटर, मतलब थ्री कार्बन, फिर फोर कार्बन, फिर फाइव कार्बन और सिक्स कार्बन। तो ऐसे इसको बोट फॉर्म को दिखाया गया है। ये दोनों ही दोनों बोट, चाहे हम फर्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें या हम सेकंड स्ट्रक्चर की बात करें, दोनों ही क्या हैं एक्लिप्स होते हैं, करेक्ट। तो एक्लिप्स में देखिए जब हम दोनों को कंबाइंड कर देते हैं, हाइड्रोजन को दिखाते हैं, तो देखिए यहाँ पर फ्लैगपोल हाइड्रोजन दिखाए गए हैं, तो ये वाला और ये वाला हाइड्रोजन जो होता है ना फ्लैगपोल हाइड्रोजन कहते हैं, और जिस पे ई लिखा गया है वो इक्विटोरियल हाइड्रोजन हैं, और जिनके ऊपर ए लिखा गया है वो एक्सियल हाइड्रोजन है, करेक्ट, और ई लिखा गया है वो इक्विटोरियल हाइड्रोजन है, करेक्ट। तो इक्विटोरियल हाइड्रोजन और एक्सियल हाइड्रोजन के साथ दो जो हाइड्रोजन है वो कैसे होते हैं फ्लैगपोल होते हैं, और वो काफ़ी क्लोज में है तो रिपल्सन ज़्यादा है, और रिपल्सन की वजह से स्टेबिलिटी क्या हो जाती है कम हो जाती है। तो देखिए इन बोट फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन सिक्स हाइड्रोजन आर इक्विटोरियल, यानी सिक्स इक्विटोरियल पे हैं, फोर हाइड्रोजन आर एक्सियल, जिसमें चार हाइड्रोजन एक्सियल पे हैं, एंड टू हाइड्रोजन आर फ्लैगपोल, और ये दो हाइड्रोजन हैं ये कौन से हैं फ्लैगपोल हैं। तो इट इज़ एन अनस्टेबल कॉन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन ड्यू टू टॉर्सनल स्ट्रेन अमंग एक्सियल हाइड्रोजन्स एंड ड्यू टू वांडरवाल्स स्ट्रेन क्योज बाय द क्राउडिंग बिटवीन द फ्लैगपोल हाइड्रोजन्स। तो मतलब क्या होगा कि यहाँ पर
वांडरवाल स्ट्रेन होता है, करेक्ट, क्राउडिंग होता है, और क्राउडिंग की वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट है कॉन्फर्मेशनल इन्वर्जन, यानी रिंग फ्लिपिंग कहते हैं इसको इन साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन में देखिए रिंग भी क्या होता है आपका, फ्लिप होता है। कैसे फ्लिप होता है कि देखिए यहाँ पर ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, ये फाइव है, और ये सिक्स है। आप क्या कर रहे हो, इसको ऐसे रोटेट कर रहे हो, तो मतलब क्या होगा, फोर जो है वो आपका थ्री का प्लेस ले लेगा, और थ्री जो है वो आपका, ठीक है, आगे प्लेस ले लेगा, यानी ये ट्विस्ट हो जाएगा, करेक्ट। एंड टू जो है वो आपका यहाँ आ जाएगा, वन की जगह पे आएगा, ठीक है। वन जो है सिक्स की जगह पे चला जाएगा, सिक्स या फाइव की जगह पे चला जाएगा। तो इसको कहते हैं हम इन्वर्जन, यानी रिंग फ्लिपिंग, करेक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ये जो प्रोसीजर है वो है आपका साहर्स प्रोजेक्शन, और नीचे वाला जो है ये है आपका न्यूमान प्रोजेक्शन। मतलब आपके जो इक्विटोरियल जो बॉन्ड होंगे वो एक्सियल बन जाते हैं, और जो एक्सियल होंगे वो इक्विटोरियल बन जाते हैं। तो बाय रिंग फ्लिपिंग ऑल एक्सियल बॉन्ड्स कन्वर्टेड इनटू इक्विटोरियल एंड वाइस वर्सा। जो मैंने अभी भी बताया कि इक्विटोरियल हाइड्रोजन हैं या बॉन्ड हैं तो वो एक्सियल बन जाएंगे, एक्सियल हैं तो वो इक्विटोरियल बन जाएंगे। तो द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द साइक्लोहेक्सेन रिंग इन्वर्जन इज 45 किलो जूल पर मोल। और रिंग में कन्वर्जन होने के लिए, करेक्ट, जो आपको एनर्जी लगती है टॉर्शनल एनर्जी, वो है आप यहाँ पर 45 किलो जूल पर मोल। तो इट इज़ वेरी रैपिड प्रोसेस विद ए हाफ लाइफ ऑफ अबाउट 10 टू 5 सेकंड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 10 टू 5 सेकंड के अंदर ये इसका क्या है, हाफ लाइफ है। उसके बाद आता है कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर देखिए ये मोनो सब्स्टिट्यूट है, ये साइक्लोहेक्सेन है हमारे पास, मोनो सब्स्टिट्यूट मतलब एक मिथाइल ग्रुप जो है इससे कनेक्टेड है, तो इसको मोनो सब्स्टिट्यूटेड कहेंगे। तो मोनो सब्स्टिट्यूट में भी आप देखोगे, यदि आपका मिथाइल ग्रुप यदि आपका एक्सियल पोजीशन के ऊपर है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है, और यही CH3 ग्रुप यदि आपके इक्विटोरियल पोजीशन के ऊपर रहता है तो आपका प्रोडक्ट जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, करेक्ट। तो देखिए इन वन चेयर द मिथाइल ग्रुप इज एक्सियल, इन अदर इट इज इक्विटोरियल, एंड एट रूम टेम्परेचर 95% ऑफ द मिथाइल साइक्लोहेक्सेन एग्जिस्ट इन इक्विटोरियल मिथाइल ग्रुप्स, बिटवीन ओनली 5% ऑफ द मॉलिक्यूल हैज एन एक्सियल मिथाइल ग्रुप। तो ये आपको दिखाया गया है कि यदि मोनो सब्स्टिट्यूटेड CH3 है, करेक्ट, तो इसको यदि हम ये एक्सियल पोजिशन पे है, यदि हम इसको इक्विटोरियल पोजिशन पे ले लेते हैं तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो 95% जो है चांसेज हैं कि यहाँ मिथाइल ग्रुप कहाँ होना चाहिए, आपका इक्विटोरियल पोजिशन पे होना चाहिए। उसके बाद आता है 1,3 डाई एक्सियल रिपल्सन। तो 1,3 डाई एक्सियल रिपल्सन कैसा होता है, देखिए यहाँ पर कार्बन 1 है, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 और कार्बन 6 है ना, ये फॉर्म जो है हमारा 1,3 डाई एक्सियल रिपल्सन है। तो देखिए ये मिथाइल ग्रुप इज लेस क्राउडेड व्हेन इट इज इक्विटोरियल, यदि वो इक्विटोरियल पोजीशन के ऊपर होता है तो क्राउडिंग क्या हो जाता है, कम हो जाता है, लेकिन जब भी वो एक्सिस पे रहता है तो क्राउडिंग क्या होता है, यहाँ पर बढ़ जाता है। तो द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सियल मिथाइल ग्रुप एट C1 एंड 2 हाइड्रोजन एट C3 एंड C5 इज लेस देन द सम ऑफ दियर वांडरवाल रेडियाई विच क्योजेस वांडरवाल स्ट्रेन इन द एक्सियल कॉन्फॉर्मेशंस, एंड दिस टाइप ऑफ क्राउडिंग इज कॉल्ड 1,3 डाइएक्सियल रिपल्सन। तो वेन द मिथाइल ग्रुप इज इक्विटोरियल, जब मिथाइल ग्रुप इक्विटोरियल पोजिशन के ऊपर रहता है तो इट एक्सपीरियंसेस नो सिग्निफिकेंट क्राउडिंग, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट क्राउडिंग नहीं होगा, करेक्ट। तो आप देख सकते हो ये दो स्ट्रक्चर दी गई हैं, करेक्ट। तो यहाँ पर ये CH3 है, ये आपका किसके ऊपर है, एक्सियल पे है, और तीन हाइड्रोजन क्या करेंगे, इसको क्या करते हैं, रिपल कर रहे हैं। मतलब क्या होगा, वांडरवाल स्ट्रेंथ बिटवीन द हाइड्रोजन ऑफ कोएक्सियल यानी CH3 एंड एक्सियल हाइड्रोजन एट C3 एंड C5। एंड राइट साइड में देखिए जो आपका क्या है, इक्विटोरियल के ऊपर है आपका मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड है, तो नो वांडरवाल्स स्ट्रेन बिटवीन हाइड्रोजन एट C1। तो C1 के ऊपर कोई भी यहाँ पर क्या नहीं होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं रहेगा, एंड एक्सियल हाइड्रोजन एट C3 एंड C5। उसके बाद में आता है डिफरेंस बिटवीन दी कॉन्फॉर्मेशन एंड कॉन्फिग्रेशन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करेक्ट, कि कॉन्फिग्रेशनल आइसोमर्स और कॉन्फॉर्मेशन आइसोमर में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर देखेंगे हम पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो सबसे पहले देखिए कॉन्फॉर्मेशन एंड कॉन्फिग्रेशन। तो कॉन्फॉर्मेशन में फर्स्ट स्टेप देखिए, फर्स्ट जो है डिफरेंस ये है, इट रेफर्स टू द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप रिलेटिव टू ईच अदर
एंड रेज ड्यू टू फ्री रोटेशन अराउंड ए सिग्मा बॉन्ड। तो इसको हम कन्फर्मेशन बोलते हैं। तो कन्फर्मेशन में कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। जबकि कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, इट रेफर्स टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन स्पेस अबाउट ए केमिकल अबाउट ए सेंट्रल एटम। तो यहाँ पर मतलब क्या होगा, तो यहाँ पर जो अरेंजमेंट होता है एटम का स्पेस में इस तरीके से कनेक्टेड होता है डिफरेंट, और इसमें कार्बन डबल बॉन्ड क्या होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए जिसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, करेक्ट। और पहले वाले कॉन्फर्मेशन में कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन चाहिए, ओके। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, द एनर्जी डिफरेंट बिटवीन द टू कन्फर्मर्स इज लोअर। मतलब यहाँ पर कन्फर्मेशन में देखा कि एनर्जी 12.5 था, कहीं पर 30 है, कहीं पर 45 पॉइंट समथिंग है। तो यहाँ पर एनर्जी जो है वो क्या होती है, उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। जबकि कॉन्फिग्रेशनल में क्या होता है, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू कन्फर्मेशनल फॉर्म इज लार्ज। तो उन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो काफ़ी लार्ज होता है। तीसरा जो प्रॉपर्टी है, कन्फर्मर्स आर नॉट आइसोमर्स एंड दे कैनॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। मतलब ये हुआ कि ये आइसोमर्स नहीं होते हैं, कन्फर्मर्स एक आइसोमर जैसे ही हैं बट एक्चुअली में दे आर नॉट आइसोमर्स। तो कन्फर्मर्स आर नॉट आइसोमर्स एंड दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, और हम उसको एक दूसरे को सेपरेट भी नहीं कर पाते हैं। जबकि कॉन्फिग्रेशनल में क्या होता है, दीज आर ऑप्टिकली आइसोमर एंड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, करेक्ट। तो ये इसमें क्या होता है कि दीज आर ऑप्टिकली आइसोमर्स होते हैं कॉन्फिग्रेशन, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवर रोटेटरी, करेक्ट, और कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, और दोनों को हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट करना चाहें तो सेपरेट किया जा सकता है, जबकि कॉन्फर्मेशन को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है, दीज आर इजीली इंटर कन्वर्टेड टू वन अनदर। मतलब आपका ये है कि इसमें जो भी आपका मटेरियल होगा, करेक्ट, तो वो क्या होगा, ईजिली क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा, इंटर कन्वर्टेड टू वन अनदर। एंड आपका कॉन्फिग्रेशन में क्या होता है फिर, दीज आर नॉट ईजिली इंटर कन्वर्टेबल, यानी ये ईजिली इनवर कन्वर्ट नहीं होंगे टू वन अनदर, एक दूसरे के अंदर। तो इनका रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।